नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस BSE के 1.61 रुपये के पहले स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक ने मोर देन 600% का रिटर्न दिया लास्ट वन ईयर में। और ध्यान रखना, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक को दिस प्राइस में बाय करो इस प्राइस में, ठीक है? तो ध्यान रख लेना भाई, एक अपडेट वीडियो है, नीचे किसी ने कॉमेंट किया था इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा कि पेनी स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट? जो लोग सीखना चाहते हैं, राइट? और ये स्टॉक अभी हाथों से निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है, इतना तो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि यार ये स्टॉक तो भाग चुका है तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, तो भाई इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, पेनी स्टॉक्स में पैसा बनता है। अब दिक्कत क्या है ना, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मान के चलो कि स्टॉक आपका 60-70 पैसे ट्रेड कर रहा होगा जब पेनी स्टॉक, जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, तो अगर वो 70 पैसे का जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, कि पेनी स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ पर स्टॉक को एवरेज करना है। और इन केस अगर आपको SL का भी यूज़ करना पड़े तो SL भी यूज़ करो, ठीक है? तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ये नहीं कि भैया 1 रुपये का शेयर है, जितने मर्जी शेयर्स बाय कर लो, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ब्रोक होने वाले हो, ठीक है? मतलब 6-7 महीने आप कमा लोगे, उसके बाद 1-2 साल के बाद आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा पेनी स्टॉक्स पे, और बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा, मार्क माई वर्ड, बाकी आपकी इच्छा। अगर बात अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो, राइट? जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है। प्राइवेट क्लास का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पर टाइम पास करता हूँ, प्राइवेट क्लास में वो चीज़ें बताई जाती है जो शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? जैसे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपसे शेयर कर रखे कि मैंने क्यों स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या था, मेन रीज़न होता है सेटअप। तो वो सेटअप मैंने बहुत बार आपको बताया कि मैंने क्यों बाय किया था, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो मैंने वहाँ बताता हूँ हर संडे वाली प्राइवेट क्लास में। तो अगर आपको आना तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ मुझे मैसेज करना, ड्रॉप करना, मैसेज ड्रॉप में हाई हेलो मत करना, ठीक है? आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज अटैग करना। अगर ये काम करोगे आप तो डेफिनेटली मैं आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स दूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं भी अपनी जगह खुश हूँ, आप भी अपनी जगह खुश हो, है ना? दोस्तों, वो स्टॉक का नाम शेयर करने से पहले ये कुछ वीडियोस हैं, इनको देखो। 40 पैसे का शेयर था उस समय, अभी तो नहीं है, अब तो बहुत बढ़ गया है। और सबसे पहले December 9, 2020 में फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है? उस समय स्टॉक का प्राइस मात्र 20 पैसे था, ठीक है? तो पेनी स्टॉक्स के ऊपर तो भैया मैं बहुत पहले से वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने आपको क्या बोला है, बहुत सारे पेनी स्टॉक आपके सस्पेंड हो गए, और ये स्टॉक भी आपका सस्पेंड हुआ था कुछ दिनों के लिए, ठीक है? जो कंपनी अच्छी है, मैं आपको समझा रहा हूँ बात अभी भी, जो कंपनी अच्छी है, जैसे गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट, स्टॉक का नाम है, अभी नाम देख लो, यही नाम है, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड, ठीक है? नाम देख लिया, प्राइस भी देख लिया, हमें 20 पैसे का था उस समय। मैंने क्या बोला, जो कंपनियां आपकी अच्छी है वो डेफिनेटली सस्पेंड होगी ड्यू टू ASM, GSM, कुछ भी बवाल घुसेड़ दो उसके अंदर, उसको बंद सस्पेंड करा दो, ठीक है? सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो कंपनी अच्छी है वो कंपनी ये सब ASM, GSM को छोड़ते हुए, तोड़ते हुए आगे निकल जाएगी, और आज आपका यहाँ ट्रेड करेगी ऑलमोस्ट 1.61 रुपये में, ठीक है? अब डिसीजन आपको मेक करना है कि आपको क्या करना है, राइट? देख सकते हो, जब 40 पैसे दोबारा ट्रेड कर रहा था, देखो ये रहा, ये तो एक दूसरा स्टॉक है, ये रहा देखो, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट, ठीक है? तो अब आपके सामने भाई सब स्टॉक्स मैंने आपको पहले ही बता रखे है, ठीक है? अच्छा खासा पैसा मल्टीप्लाई स्टॉक्स कर रहे हैं, राइट? बस आपको ध्यान रखना है जो रूल्स मैंने आपको बताया है, प्लीज़ उनको फॉलो कर लेना, ठीक है? इस प्राइस में अगर आपको जंप मारना है, मार लो भाई, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपको लगता है तो यू कैन बाय, यू कैन इन्वेस्ट, मैं तो कभी इन्वेस्ट ना करूँ ऐसे स्टॉक्स में जब तक मेरा खुद का सेटअप ना बन रहा हो। तो अभी मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने आई थिंक पैसा लगाया होगा, ठीक है? अगर लगाया तो उनको गाइड देने में क्या फर्ज है यार, ठीक है? मेरे सेहत में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक वीडियो बना के अपडेट देना है। वैसे सलाह नहीं देता हूँ कि आप बाय करो, अपनी खुद की एडवाइस, मतलब अपने खुद के डिसीजन लेना सीखो। नहीं ले सकते, मैसेज ड्रॉप कर दोगे नीचे कमेंट में, तो हेल्प कर दूंगा ये वीडियो के माध्यम से कि ये कर सकते हो, ठीक है? तो अब रूल समझ लो कि स्टॉक में क्या करना है। पहले रूल समझो, जो भी आपकी मंथली इनकम है 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक्स में, बिलो 1 रुपये के स्टॉक्स में,
ठीक है, और जब भी पैसा डबल हो जाए विड्रॉ द कैपिटल, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लो, इट कुड बी 100 रुपी, 1000, 2000, 10000, जितना भी है विड्रॉ कर लो। तीसरा रूल ये है कि रूल नंबर 1 और 2 को नहीं तोड़ना है, किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना है, और अगले 5 सालों तक इस रूल्स को फॉलो करना है। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, अदरवाइज इग्नोर करने में ही भलाई है। ठीक है, जैसे आपको डे ट्रेडिंग में लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट करने में लॉस होता है, वैसे ही आपको पेनी स्टॉक्स में भी लॉस डेफिनेटली होने वाला है अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। ये रूल्स मैंने क्यों बनाए, समझो बात को, इसलिए बनाया क्योंकि मैंने पास में कुछ रूल्स मतलब कुछ लॉस खाया है पेनी स्टॉक्स में, तो उनके बेसिस में ये लॉस बनाए गए, अदरवाइज मुझे भी कोई जरूरत नहीं है रूल्स बनाने की। ठीक है, मैं भी बस पागलों की तरह इन्वेस्ट करते जाऊँ पेनी स्टॉक्स में और लास्ट में प्रॉफिट कमा के फिर एक दो स्टॉक्स में हमारा तगड़ा वाला लॉस हो जाए, तो ऐसा कुछ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो तभी बढ़िया रहेगा। ठीक है, और उसका सिंपल तरीका है रूल्स को फॉलो करके। रूल्स क्या है, ये 3 रूल्स बस, इसको फॉलो करोगे तो बन जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। अब ये स्टॉक पे देखो, बता दिया मैंने क्या करना है, जिनके पास ये स्टॉक है आप स्टॉक को 15 रुपये से लेकर 14 रुपये से पहले नहीं बेचोगे। जिनके पास ये स्टॉक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, जिनके पास स्टॉक है 17-18 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे के आसपास, वो स्टॉक को इस प्राइस से पहले नहीं बेचेंगे 14 रुपये के आसपास। ठीक है, और जो लोग दोबारा बाय करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है दे कैन बाय, तो आप क्या करेंगे, ये स्टॉक सपोर्ट लेने आ सकता है दोबारा 1 रुपये के आसपास या फिर 80-90 पैसे के आसपास। तो 80-90 पैसे का स्टॉक आता है तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन में रखना, जो लोग ऑब्जर्वेशन में रख पाएंगे दे कैन बाय, दे कैन इन्वेस्ट और दे कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। अगर नहीं ऑब्जर्वेशन में रखोगे तो आपको हमेशा महंगा प्राइस मिलेगा। अब इच्छा आपकी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना स्टॉक को अगर अच्छे प्राइस में बाय करना है, अदरवाइज महंगे में ले लोगे ठीक है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बता रहा हूँ रीज़न, अब समझो, जिन लोगों ने स्टॉक को 30 पैसे में बाय किया है वो आज अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट पैसा उनका 4-5 गुना हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और जिन्होंने 1 में बाई किया है उनको अभी मात्र 50% रिटर्न आ रहा है, और जो लोग अभी बाय करेंगे उनको घंटा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 1.5 रुपये से 3 रुपये होगा आपका पैसा 1x ही होने वाला है। दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। लेकिन जिन्होंने 30 पैसे में बाई किया है उनका पैसा अगर इस वक्त 3 रुपये हो जाता है तो उनका पैसा ना 1000x हो गया, मतलब 10 गुना हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टॉक का राइट प्राइस में एंट्री करने का और राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के लिए, राइट प्राइस में बाय करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, जो अगर आप में होगा तो आप कर पाओगे, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया इस 1 रुपये के शेयर के बारे में गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट करके। वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।